दोस्तों नमस्कार, मैं विनय कुमार, स्टडी फॉर गोल्स में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे खोटा भाषा से संबंधित कविता के भाग को, जिसमें जानेंगे आँखें के गीत खोटा कविता संग्रह पुस्तक के बारे में, जिसके लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं और उसमें आए हुए लेसन चमकल ककर गालिक लाली पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे इसको। दोस्तों आँखें की जो पुस्तक है, इसके रचवैया अन्य लेखक श्रीनिवास पानुरी जी हैं, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1920 को बरवाड्डा धनबाद में हुआ है, जबकि इनका मृत्यु 1986 में 7 अक्टूबर को हो गया था। इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानुरी और माताजी दुखनी देवी थी। इनके द्वारा रचित बाल किरण, देवज्योति, तितकी, रामकथामृत, चाबी काठी और उद्भासलकरण कुछ रचना है। इनको भीष्म पिता विश्वनाथ दशम देराज के द्वारा खोटा वाल्मीकि पंडित रामदयाल पांडे। चलिए हम देखेंगे आए हुए इस चैप्टर के कुछ भावार्थों को और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी। तो भावार्थ में देखिए बोलता है चमकर ककर कालिक लाली, यानी चमक रहा है किसके काल का लाली जो है, लाली माँ जो है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। चमकल ककर गालिक लाली बोलता है, चमकल ककर गालिक लाली आज हमर गीते प्रभात किरणें कैसन लोल लोल सीते, ककर हृदय दबरल भाव पायल अपन वानी निर्मम जग के दिए आयल अपन आखिक पानी, ककर सूर्य पत्थर कांदर गंभीर भेल ज्ञानी, ककर छाती ठोकल कील ककर दिले के आग, ककर दिले पोसल साध खोलल अपन पाग, ककर नाचे धरती नाचल फूल प्रसन्न चीते। देखिए दोस्तों इसमें बोल रहा है कि चमकल ककर कालिक लाली आज हमर गीते हैं, बोलता आज हमारे गीत से किसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गया है, लालिमा आ गया है, प्रभात किरणें कैसन लोल लोल सीते हैं, बोलता है प्रभात किरण यानी सुबह के लालिमा के जैसे हमारे गीत से किसी के चेहरे पर लालिमा आ गया है, गोल गोल सीत जिस तरह से पड़ता है, ओस का बूंद पड़ता है, उस तरह से इनके गीत गाने से, इनके गीत से किसी के चेहरे पर लालिमा आ गया है और सीत के जैसा गोल गोल सुंदरता को बिखेर रहा है। फिर बोलता है ककर हृदय दबरल भाव पायल अपन वानी, बोलता है किसके हृदय का दिल का दबा हुआ भाव, दबा हुआ इच्छा आज अपना वाणी पाया है, आज अपना बोली बोल पा रहा है यानी कुछ कहने को आतुर है। निर्मम जग के दिए आयल अपन आँखें पानी, बोलता है इस निर्मम जग को यानी इस निर्मम संसार को, निर्दयी जगह को देने के लिए आया है क्या अपने आँख का पानी, हमने आंसू बहाने आया है यहाँ पर। फिर बोलता है ककर सूर पत्थर का अंदर गंभीर भेल ज्ञानी, बोलता है किस के सूर से पत्थर भी रोने लगा, गंभीर हो गया कौन ज्ञानी, कुछ सोचने को मजबूर हो गया है। ककर छाती ठोकल कील ककर दिले का, बोलता है किसके दिल में किसके छाती में कील ठोक दिया तो किसी के दिल में आग लग गया, बोलता है ककर दिले पोसल साध खोलल अपन पाक, बोलता है किसके युग युग का पोसा हुआ सोचा हुआ साध इच्छा जो है अपना पाख खोला है, आने आज उड़ने को तैयार है, खुल के बोलने को तैयार है। ककर नाचे धरती नाचल फूल प्रसन्न चीते, बोलता है किसके नाचने से धरती नाच रहा है, पृथ्वी नाच रहा है, पृथ्वी पर के पूरे लोग नाच रहे हैं, फुल प्रसून चीते हैं, बोलता है पूरे आनंदित होकर पूरे खुशी के मगन में डूब कर। आप इसको एक बार और देखेंगे सुनेंगे, बोलता है चमकल ककर गालेक लाली आज हमर गीते हैं प्रभात किरणें कैसन लोल लोल सीते, ककर हृदय दबरल भाव पायल अपन वानी निर्मम जग के दिए आयल अपन आँखिक पानी, ककर सूर्य पत्थर कांदल गंभीर भेल ज्ञानी, ककर छाती ठोकल कील ककर दिलेक आग, ककर दिलेक पोसल साध खोलल अपन पायक, ककर नाचे धरती नाचल फूल प्रसन्न चीते। तो दोस्तों अभी आपने देखा चमकल ककर कालिक लाली, कवि के गीतों का प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव तरीके से पड़ता है, इसी बात का उल्लेख किया गया है इसमें कि उसके गीत गाने से किसी का दबा हुआ इच्छा शक्ति हृदय जो आज उठ चुका है अपने गाने लगा है, कोई ज्ञानी जो है सोच के आश्चर्यचकित हो रहा है, तो किसी को चोट पहुँच रहा है यानी दिल में कांटा चुभ रहा है, तो किसी के दिल पर पत्थर लग रहा है, यानी एक चीज़ों से हर किसी पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है उसको दिखाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें आया हुआ क्वेश्चन कि चमकल ककर गालिक लाली कविताएं कवि की खोजल हक यानी कवि क्या खोजने कहने को चाह रहा है इस कविता के माध्यम से। तो इसमें दिया हुआ ऑप्शन कि आपन गीते का प्रभाव यानी अपने गीत का प्रभाव को छोड़ना चाह रहे हैं, ककर गाल बिहानक सूरज जल बोलता है किसका गाल जो है सुबह के सूरज जैसा हो गया था, कवि गीत सुन के कौन खुश हो और कवि के गीत को सुनकर कोई खुश हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी सारा प्रभाव पड़ रहा था कवि के गीत को सुनकर के। चमकर ककर गालिक लाली कौन रकमे का कविता लागे, तो एक छायावादी टाइप का कविता है
चमकल ककर गालिक लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और जानेंगे कि ककर नाचे धरती नाचल फूल प्रसन्न चीते हैं, बोलता है किसके नाचने से धरती नाचने लगा, फूल प्रसन्न नानी पूरा आनंदित होकर खुशी होके। इस पंक्ति में जो आया है पंक्ति कौन सा कविता में आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाहरे अंग्रेज, बाहरे रोज, काख्या पानी, तो चमकल ककर गालिक लाली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसी में ही पाठ को दोहराया गया है। दोस्तों आपको बताते चलें, स्टडी फॉर गोल्स अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज क्विज करा रहा है। 50 फुल लेंथ टेस्ट मात्र 199 रुपये में उपलब्ध करा दिया है। आप आइए स्टडी फॉर गोल एक बार और डाउनलोड करिए और खोटा की संपूर्ण तैयारी करिए। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।